में दिख रहे और बवाल काट रहे ये लोग आर्मी भर्ती के अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने सड़क पर खूब बवाल काटा है। दानापुर के सैनिक चौक के पास लाखों की तादाद में पहुंचे सेना भर्ती के अभ्यर्थी को कंट्रोल करने में पुलिस के भी पसीने छूट रहे हैं। बता दें कि दानापुर आर्मी सेंटर में 38 जिले की बहाली चल रही थी। इसी क्रम में भारी संख्या में 38 जिलों से आर्मी में बहाल होने के लिए युवक सीधा दानापुर पहुंचे थे और करियप्पा ग्राउंड पूरा भर गया था। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ नजर आ रही है। ये भीड़ उन अभ्यर्थियों की है जो आर्मी में यहां दौड़ लगाने आए हैं। सैनिक चौक, कंपनी बाग, साइन मंदिर और बस स्टैंड पूरा खचाखच भरा हुआ है। रोड पर अभ्यर्थी बैठे हैं। आर्मी ग्राउंड में इनका फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा था। फिजिकल टेस्ट लेने के लिए आर्मी के रांची मुख्यालय और साउथ इंडिया मुख्यालय से अधिकारी पहुंचे थे। इसी क्रम में दौड़ में छूटे हुए युवकों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा को देखते हुए पुलिस ने इनको खदेड़ना शुरू किया तो बवाल और बढ़ गया। इस हंगामे को शांत करने में पुलिस के पसीने छूट गए। इस पूरे मामले को लेकर मौके पर पहुंचे सिटी एसपी ने क्या कुछ बताया वो सुनिए। चल रहा है, उन लोगों का जो कैपेसिटी आज का जो रिक्रूटमेंट का है वो अभी चल रहा है, वो तो लगातार चलता ही रहेगा। बट आज का जो यही है कि पूरा बिहार का पूरा भीड़ आ गया है, पूरा मतलब जो एस्पिरेंट से वो सब लोग आ गए हैं, तो इसलिए ज्यादा भीड़ हो गया। अभी स्थिति सामान्य है? अभी स्थिति बहुत सामान्य है। तो सुना आपने, सिटी एसपी ने बताया कि भीड़ ज्यादा होने के कारण ये स्थिति बनी। फिलहाल सब कुछ सामान्य है। बता दे कि पटना के दानापुर में सेना भर्ती के लिए दौड़ चल रही है। आज दौड़ का पांचवा दिन था। इसी बीच सेना भर्ती के लिए पांचवे दिन भारी संख्या में लोग पहुंच गए। वहीं युवाओं की भारी भीड़ को देखते हुए ज्यादातर लोगों को दौड़ में शामिल होने से रोक दिया गया। दौड़ में शामिल नहीं होने से नाराज अभ्यर्थियों ने सैनिक चौक पर हंगामा शुरू किया। यहां पर इकट्ठा हुए और युवाओं ने दौड़ कराने की मांग की और चौक पर खूब बवाल काटा। हालांकि फिलहाल स्थिति नियंत्रण बताई जा रही है। दानापुर से मनोज सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।